आचार्य विद्यासागर महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रमोकार मंत्र का जाप कर रहे सभी की आंखें नम रही। आचार्य विद्यासागर महाराज के महाप्रयाण पर भावुकता के साथ कमानिया गेट पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में लोग शामिल हुए। सकल जैन समाज की ओर से आओ जीत श्रद्धांजलि सभा में आचार्य श्री को याद किया गया। जीव दया अहिंसा श्रवण सनातन संस्कृति और परमार्थ कार्यों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में मरण समाधि ली। यह खबर जैसे ही शहर पहुंची पूरा शहर शोक में डूब गया। संस्कारधानी को आचार्य श्री का सानिध्य बार बार प्राप्त हुआ है और उन्होंने यहाँ कई परमार्थ के प्रकल्प भी शुरू करवाए थे। इस मौके पर सभी ने आचार्य श्री के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। संपूर्ण अहिंसा जगत में आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जिस तरीके की स्वीकृति थी, आज के इस कलयुग में ऐसे किसी संत को वो श्रद्धा नहीं मिली। हमने बहुत सारे साधुओं को देखा है और इस युग में हमने आचार्य विद्यासागर महाराज का भी युग देखा है। सनातनी परंपरा के साथ साथ जैन धर्म को संस्कारित करने वाला एक पुरोधा आज हमारे बीच में नहीं रहा है। हम लोगों का एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि 1981 से लेकर आज तक उनके लिए जबलपुर कर्मभूमि के रूप में रही है और जबलपुर में उनका आना जाना लगभग हमेशा ही साल दो साल तीन साल के अंतराल में होता रहा है। जबलपुर में उन्होंने बहुत बड़े बड़े आयोजन किए। 1993 का गजरत मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसमें लगभग 15 से 20 लाख की पब्लिक उस दौर में आई। आज कुंडलपुर का बड़ा मंदिर देख लें, चाहे नंदीश्वर दीप मंदिर देख लें, चाहे आप नेमावर का बड़ा तीर्थ क्षेत्र देख लें, गुरुदेव की एक भावना होती थी कि जो पुराने तीर्थ क्षेत्र हैं, नए का निर्माण तो हम करेंगे लेकिन पुरानी हमारी जो संस्कृति उसे संरक्षित होना चाहिए और उसके लिए आचार्य गुरुवर ने प्राणपण से काम किए। वर्तमान में गुरुदेव ने रोजगार के लिए जो चलचरखा के साधन उपलब्ध किए हैं, चाहे तिहाड़ जेल हो, चाहे और भी बड़े बड़े जेल हों, चाहे काला पानी हो या यहाँ पर जो भी सहपरा के अंतर्गत, वहाँ पर रोजगार के साधन के लिए चलचरखा का उपयोग कि लोग अपना कपड़ा बनाएं और अपने हाथ कपड़े को बेचें। इस तरीके से शांति धारा के नाम पर गुरुदेव ने बीनावारा में जो प्रोजेक्ट चलाया है, आप उन सबको देखें तो ऐसा लगता है कि इनका गौ रक्षा से लेकर आज प्राणी मात्र के प्रति इनकी दृष्टि हमेशा पड़ती रही है और हम सबका आशीर्वाद उनके ऊपर रहा है। हम सब लोग आज बहुत व्यथित हैं कि हमारे बीच से हमारा वो पुरोधा जिसने हमें जैन संस्कृति के साथ साथ सनातन संस्कृति के प्रति चलने की राय दिखाई, आज हमारे बीच से चला गया। हम अपने परिवार की ओर से, जैन समाज की ओर से उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बारंबार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु, नमोस्तु। जैन समाज और संपूर्ण मानव समाज बहुत दुखी है क्योंकि आचार्य जी ने मानव कल्याण के लिए, जैन समाज के लिए अनेकों सैकड़ों कार्य किए। और जहाँ तक जबलपुर का सवाल है, जबलपुर में हर स्थान पे उनकी उपलब्धि है। उन्होंने लगातार जबलपुर में एक लंबा समय दिया है और यहाँ अनेकों कार्य ऐसे किए हैं जो अपने आप में अविस्मरणीय है। मुझे जहाँ तक ख्याल है, एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भोपाल आए थे, मेरी और जयंत मल्लैया जी की ड्यूटी लगी थी, उस समय भी जो वार्तालाप उनका हुआ था। एक बार अशोक सिंघल जी आए थे, उस समय जो राष्ट्रहित में और जन कल्याण के हिसाब से जो चर्चाएं हुई थी, जो मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मुझे उस स्थान पर रहने का हमको अनुभव प्राप्त हुआ। आचार्य श्री के प्रति बहुत समर्पण और अति सान्निध्य रहा है। उनके निर्देशन में, उनकी उपस्थिति में हम लोगों ने बहुत मानव कल्याण के कार्य किए हैं। अब आज हमारे बीच में वो नहीं है लेकिन उनकी आदर्श, उनके सिद्धांत, श्रवण संस्कृति, जीव दया, अहिंसा, इस दिशा में हम सब उसी दिशा में आगे भी कार्य करते रहेंगे, ऐसा हम सभी संकल्प भी करते हैं।